आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। रीवा जिले में लगातार पशुओं की चोरी कर रहे बदमाशों की गैंग ने एक बार फिर घटना को अंजाम देते हुए गौशाला के अंदर से 2 दर्जन बकरियां पार कर दी हैं। घटना शहर से सटे हुए चुराटा थाना क्षेत्र के रमकुई गाँव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रमकुई गांव निवासी सुंदर यादव ने अपनी 25 बकरियों को दिन में चराने के बाद शाम को घर पर ही बने गौशाले के अंदर बंद कर दिया था और पूरा परिवार जब अंदर सो रहा था तो अज्ञात बदमाशों ने गौशाला के अंदर से 25 बकरियां पार कर दी। आरोपी 4-व्हीलर वाहन में बकरियां लूट कर चंपत हो गए। सुबह उठने पर पीड़ित को घटना की जानकारी हुई और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वो आपको बता दें कि रीवा जिले के तराई क्षेत्र सहित हनुमाना गोविंदगढ़ क्षेत्र में अक्सर बकरी चोरी की वारदातें सामने आई हैं, लेकिन रीवा शहर से सटे हुए गांवों में पहली बार बकरी चोरी की बड़ी घटना हुई है। लगातार हो रही वारदातों में ऐसा माना जा रहा है कि जिले में आसपास के क्षेत्रों सहित यूपी के बकरी चोर गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं, जो दिन में रैकी करते हैं और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल चुराटा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। Mm-hmm.